हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2022 में निमसेट का क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस मैंने निमसेट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं रीजन ही बताता हूँ क्यों सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। देखो, निमसेट 2022 के बारे में कोई भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। आधे से एक घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा फ्रेंड्स। और निमसेट 2022 का जितना भी सिलेबस है ना, सब वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं, वीडियो सीरीज बनाने वाला हूं, और हर चैप्टर का पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूं। तो बताओ, आप कैसे टॉप नहीं करोगे? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि लेटेस्ट न्यूज आपको मिले। चलिए निमसेट 2022 का सिलेबस बताते हैं। निमसेट 2022 में ना बेसिकली 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस। मैथमेटिक्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क के हुए, मतलब 50 × 4 = 200 मार्क के हो गए पूरा टोटल मार्क्स। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होते हैं, 160 मार्क हो गया टोटल। और जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, मतलब 80 मार्क हो गया। और कंप्यूटर अवेयरनेस में सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, मतलब 40 क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन 120 हो गए और टोटल मार्क्स 480 हो गया फ्रेंड्स। और सबका मैं वीडियो लेक्चर बनाने वाले, जैसे एक मैथमेटिक्स में एक सेट थियरी है या फिर अलजेब्रा है, तो पहले उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसका एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, फिर पिछले 5 साल का उस टॉपिक का आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा उसी लेक्चर में। तो आप बताओ कैसे टॉप नहीं करोगे यार? मैं आपको टॉप करा के दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर लो। और निमसेट 2022 में फ्रेंड नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो -1 मार्क मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो 4 मार्क मिलता है। अब चलिए मैथ्स का इसका डिटेल सिलेबस जानते हैं। मैथमेटिक्स का आपको डिटेल सिलेबस बता देता हूं, पहले चैप्टर बता देता हूं किस किस चैप्टर से निमसेट 2022 में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, फिर उस चैप्टर का डिटेल में टॉपिक बताता हूं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियो सीरीज आ रहा है हर चैप्टर का यार, और लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर के साथ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखो, सेट थियरी से आपको क्वेश्चन पूछने वाले, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आने वाले, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चन पूछने वाले। बेसिकली ये 7 चैप्टर है ना, इसी से आपको क्वेश्चन आने वाले। चलिए आपका इसका डिटेल टॉपिक जान लेते हैं। जैसे सेट थ्योरी है, उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं आपको क्वेश्चन पूछने वाले। जैसे सेट थ्योरी है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फिर उसके बाद वेक्टर, वेक्टर में आपको पोजीशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड देयर एप्लीकेशन, सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम एंड मैकेनिक्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें सिंपल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी से क्वेश्चन आने वाले हैं, एवरेज से क्वेश्चन आने वाले हैं, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट इवेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स, हाइपरबोला, इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब मेन चैप्टर के बारे में आप बताता हूं, जो कैलकुलस है, इसमें लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाई पार्ट्स, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल फंक्शन, इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू द एरिया, इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ये बेसिकली मेन चैप्टर होता है, मतलब मैथमेटिक्स से ज्यादा वेटेज लेता है। फिर उसके बाद अलजेब्रा का बता देता हूं डिटेल सिलेबस। आपको फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, इससे क्वेश्चन पूछे आने वाले, एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियसली इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इंडाइसेस, लॉगरिथमिक, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस, इससे क्वेश्चन आने वाले। ये पूरा डिटेल सिलेबस था मैथमेटिक्स का। अब आपको एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का डिटेल सिलेबस बताता हूं। दोस्तों, ऑफिशियल पीडीएफ में आपको बस इतना ही लिखा था, जो रेड कलर का दिखा रहा है उतना ही लिखा था। द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल कवर द लॉजिकल सिचुएशन एंड द क्वेश्चन बेसिस ऑन फैक्ट गिवन इन अ पैसेज।
वहां पे आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसका 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको पैसेज को देख के क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करना रहेगा, और फिर 2-4 लॉजिकल सिचुएशन का क्वेश्चन दे देंगे। मैं इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाला है, और सबका वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ, डोंट वरी। आपको एकदम जो एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है 160 मार्क का है ना, उसमें से 140-130 मैं आराम से बताऊंगा, बस हम मेरा वीडियो सीरीज देख लोगे तो। बेसिकली पजल्स आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से, नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर से, कोडिंग डिकोडिंग से। ये मेन टॉपिक हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने वाला हूं, जिसका मैं वीडियो सीरीज भी बताने वाला, वीडियो सीरीज भी बनाने वाला हूं। ये तो मेन टॉपिक आपको बता दिया फ्रेंड्स, तो ये सब आप प्रिपेयर कर लीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं आपको खुद प्रिपरेशन करा लूंगा। जैसे पजल्स है, इसका 5 साल का पेपर बता दूंगा, पजल्स के बारे में बता दूंगा, तो बताओ आप कैसे पजल्स के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। यही तो प्रिपरेशन, कोई भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रिपरेशन करने का कैसा एक थियरी है, पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर उसके मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर उसका 5 साल का पेपर सॉल्व करो, आपका प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसके बाद रिवीजन कर लो, आप कॉन्फिडेंस हो जाओगी, हाँ मैंने इस टॉपिक को यार 2 बार रिवीजन किया है और इसका एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसको पढ़ा है, तो आप खुद से मतलब कॉन्फिडेंस आएगा यार। फिर अभी कंप्यूटर अवेयरनेस का बता देता हूं, इसमें 2 ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेसिक्स और डेटा रिप्रेजेंटेशन से। कंप्यूटर बेसिक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अर्थमेटिक में आपको एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल अर्थमेटिक्स एंड टूस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक्स, सबका मैं वीडियो सीरीज बनाने वाला हूं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, बुलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल, वेन डायग्राम, सबका मैं एकदम डिटेल में सिलेबस बता भी दिया और आपको एकदम डिटेल में वीडियो लेक्चर ही बनाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बस। इंग्लिश में मैंने ऑफिशियल पीडीएफ में बस इतना ही पढ़ा। क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल डिजाइन टू टेस्ट योर कैंडिडेट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो लोग यही बोल रहे हैं कि आपका मतलब बेसिकली टेस्ट करेंगे कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इंग्लिश के बारे में, पर आपको मैं मेन टॉपिक बता देता हूं, जो मेन मेन टॉपिक रहते हैं, और सबका वीडियो सीरीज चालू करने वाला, जो कॉम्प्रीहेंशन है। जैसे एक पैसेज दे देंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, 4 क्वेश्चन देते हैं, माफ करिएगा, 4 क्वेश्चन दे देते हैं, आपको वो पैसेज पढ़ना है और चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। लास्ट में एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, जो अपने से आपको बेसिकली पैसेज पढ़ोगे ना तो उसका कंक्लूजन के हिसाब से आपको कोई आंसर देना रहता है, वो वाला रहता है। उसके बाद वोकैबुलरी शब्द कोर्स रहता है ना, ऐसे एक मीनिंग दे देंगे, उसका आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, जैसे उसका सिमिलर मीनिंग ऐसा कुछ का क्वेश्चन रहेगा, वोकैबुलरी मतलब शब्द कोर्स होता है। और उसके बाद से जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहेगा ना, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस, ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही सबसे आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं सबको एकदम डिटेल में करने वाला हूं, डोंट वरी आपको। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सिमिलर वर्ड वो अपोजिट वर्ड, जैसे गुड का बैड या फिर गुड का बेस्ट, ऐसा होता है ना सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड, इससे आपको क्वेश्चन 2-3 रहता है बेसिकली इंग्लिश में। और उसके बाद मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस, एक सेंटेंस दे देंगे कि मतलब कोई भी एक सेंटेंस दे देंगे, उसके बाद से 4 मीनिंग दे देंगे, बताएंगे कि मतलब वो कौन सा मीनिंग से वो सेटिस्फाई करता है, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये था पूरा डिटेल सिलेबस ऑफ नीमसेट 2022। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।